Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anees Khan and in today's video lecture we are going to start a new chapter and the chapter is chapter number 3, current electricity. So chapter 1 और chapter 2 में हमने electrostatics से related concepts को discuss किया, जहां पर मैं already बता चुका हूं कि electric charge को हम stationary रखते हैं, electric charge जो है वो move नहीं करता है और उसके properties को हम पढ़ते हैं। यहां अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराना स्टार्ट करेंगे, यानी इस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा और जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो सबसे पहले बात होती है करंट की, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटे क्लास में भी हम करंट को डिफाइन करते हैं, क्लास 10th में करंट की एक सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसके अकॉर्डिंग हम बोलते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। काफी बेसिक, काफी सिंपल डेफिनेशन, सही है, हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब हम रेट की बात करते हैं it means we are dividing that physical quantity with time. So I is equals to Q by T. Upon my T आती है, हम कह देंगे कि यहाँ rate की बात हो रही है, time को हम rate से relate कर देते हैं. So rate of flow of electric charge is called electric current. पर अब हम थोड़ी better definition यहाँ देंगे हमारे 12th class के level के हिसाब से, क्या definition होगी? देखो definition ये भी सही है, लेकिन थोड़ा और better कर देते हैं इस definition को। ये जो charge है, ये किसी न किसी conductor में flow होगा और जब ये चार्ज किसी कंडक्टर से या किसी वायर से फ्लो होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहां इस चार्ज के फ्लो होने की कंडीशन में जो है करंट फ्लो होती है। तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मैं T इज इक्वल टू 1 कर दूं तो हम यहां कहेंगे कि I जो है ना वो कितनी हो जाएगी, बताओ क्यों, सही है ना। और इस तरह से फिजिक्स में हम कई डेफिनेशंस दे चुके हैं, T को 1 के इक्वल कर देते हैं और I जो है वो Q के इक्वल हो गया, यानी मेन फिजिकल क्वांटिटीज को इस तरह से हम इक्वल कर लेते हैं। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज flows per unit time is called current. Amount of charge flows per unit time is called current. Simple है। और इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे हम, amount of charge flows through cross-sectional area of a conductor per unit time is called electric current. You are getting it? तो यहाँ हमने एक और better definition, better तरीके से define किया। हम बोल रहे हैं amount of electric charge ही current होता है जो unit time में flow होता है किसी wire के cross-sectional area से। So the definition of current is amount of electric charge flows through cross-sectional area of a conductor per unit time is called electric current. तो जो दो definition मैंने define की है, इनमें से कोई सी भी definition काम में ले सकते हो, ठीक है? तो ये हुआ current की definition के बारे में। तो यहाँ हमने I को define किया, I is equals to Q upon T. Differentiation form में हम define कर सकते हैं, I is equals to dQ upon dt. यहाँ अगर मैं unit की बात करूँ तो electric current की unit आनी चाहिए। अगर हम unit की बात करें तो बताओ unit क्या होगी? यूनिट होगी कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, चार्ज के लिए कूलाम, टाइम के लिए सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम पर सेकंड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुई करंट की डेफिनेशन और करंट की यूनिट। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि करंट फ्लो क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर हम रीजन के बारे में यहां डिस्कस करना चाहें तो हमें थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना होगा। सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, मैंने थोड़ा जूम करके बड़ा वायर बनाया ताकि हमें चीजें आसानी से साफ साफ दिखे और समझ में आए। तो ये एक कंडक्टिंग वायर हमारे सामने है, इस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकते हैं, उन्हें किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए बाउंड नहीं किया गया है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो फ्लो है वो फ्लो कैसा है बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ये फ्लो रैंडम है। इस रैंडम फ्लो होने की वजह से नेट करंट कितनी होती है, जीरो। यानी नॉर्मली जनरल कंडीशन में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या हम बोले किसी कंडक्टिंग वायर के लिए नेट करंट जीरो होती है, इसलिए क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाते हैं और नेट करंट हो जाती है जीरो। यानी अगर कोई वायर ऐसे ही रखा हुआ है तो उसके अंदर करंट नहीं होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी, उनके मूवमेंट के बाद भी नेट करंट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि किसी एक डायरेक्शन की नेट करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की नेट करंट के बराबर होती है। सो जो करंट है वो कितनी हो जाती है, ओवरऑल जीरो हो जाती है, ठीक है। अब अगर सेकेंड केस में इस कंडक्टर के किनारों पर, ठीक है ना, यहां
और यहाँ सपोज इस तरीके से इसके किनारों पर हम दो डिस्क कनेक्ट कर देते हैं और ये जो डिस्क है ये ऑपोजिट चार्ज वाली है, ठीक है ना। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ जो डिस्क हमने कनेक्ट की है इस डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ हमने जो डिस्क कनेक्ट की है इस डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। यू आर गेटिंग इट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा और अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने का एक क्या मिल जाएगा, मूव करने के लिए बाउंड हो जाएंगे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे। यानी अब इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स डायरेक्शन है मूव करने के लिए, यानी यहाँ करंट फ्लो होने की कंडीशन डेवलप हुई है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, यानी यहाँ करंट फ्लो तो होगी लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो ये कंडीशन है यहाँ ये न्यूट्रल हो जाएगी और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस था करंट फ्लो हुई, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन जैसे ही ये जीरो हुआ न्यूट्रलाइज हुआ करंट फ्लो होना बंद हो गई। तो अगर हमें कंटिन्यू करंट को फ्लो कराना है तो हमें कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा, कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना होगा जिससे कि करंट कंटिन्यू फ्लो होती रहेगी। तो अगर हमें यह करंट फ्लो करना है तो हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेंगे जिससे कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। यानी हम अगर इसको एक सेल से कनेक्ट कर दें, सेल के अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसकी वजह से करंट यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के पीछे रीजन क्या होता है और क्यों नॉर्मल कंडीशन में जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता करंट जीरो क्यों होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उनके मूवमेंट होने के बाद भी ओवरऑल करंट जीरो होती है। क्लियर? तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने इसकी डेफिनेशन देखा, हमने फॉर्मूला देखा और उसके बाद हमने थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक 12th क्लास की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और वो टॉपिक है ओम्स लॉ। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन बहुत कॉन्फिडेंस से याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि एग्जामिनर या एक्सटर्नल जब प्रैक्टिकल के टाइम पे वाइवा लेता है तो ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। वैसे अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उससे कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर तुम एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, मान लो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो ये लास्ट में क्वेश्चन वो जरूर पूछता है कि एटलीस्ट डिफाइन ओम्स लॉ। तो अगर हम ओम्स लॉ को डिफाइन कर देते हो तो उस कंडीशन में ठीक है, उसको लगता है कि चलो बेसिक नॉलेज तो है। लेकिन अगर तुम ओम्स लॉ भी डिफाइन नहीं कर पाए, इसका मतलब वो समझ जाता है कि बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है, स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, तो फिर मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। क्लियर? तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत हम आइडिया हमें मिलता है ओम्स लॉ के बारे में, या हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज। ओके, तो ओम्स लॉ क्या है, देखो बोलने को तो काफी सिंपल है। अगर हम ओम्स लॉ को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमें याद भी है 10th क्लास से कि ये क्या होता है, कुछ नहीं है तो वी और आई का रिलेशन है। एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ हमने एक क्वांटिटी पढ़ी है अभी अभी इलेक्ट्रिक करंट, इनके बीच का जो रिलेशन है यानी आगे की जो बात स्टार्ट होगी वो ओम्स लॉ से स्टार्ट होगी। ये जो बोर्ड के ऊपर लिखा है दिस इज ओम्स लॉ, ये ही ओम्स लॉ है v proportional to i पर इसको डिफाइन करना है। और डिफाइन किस तरह से करेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू वायर। डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं है, इतनी डेफिनेशन दोगे तो भी कोई गलत कर सकता है, बोल देगा कि अभी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो फिर कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, ओम्स लॉ को हम पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे फॉर द कांस्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, फॉर द कांस्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द वायर। ओके, सो कांस्टेंट फिजिकल स्टेट के लिए अगर किसी वायर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा गया, सच एज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, उसकी थिकनेस को कांस्टेंट रखा गया, वायर को खींचा नहीं गया, यानी उसकी फिजिकल स्टेट सेम रहे। अगर फिजिकल स्टेट वायर की सेम है, आसपास सराउंडिंग की फिजिकल स्टेट सेम है, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये हर जगह पॉसिबल है? नहीं, यानी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, हम इसकी लिमिटेशंस भी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। यानी सिर्फ इतना डिफाइन कर देना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये
इनफ नहीं है। अगर इसको हमें पूरा ढंग से डिफाइन करना है तो हम डिफाइन करेंगे कि फॉर द कांस्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, तो जब हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्लियर होगी सबको। स्टेटमेंट सिर्फ यही ओम्स लॉ है। अब इसको सॉल्व करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे आएगा और हम सब जानते हैं ये है R I V is equal to I R। जनरली हम इसको इस तरह से याद रखते हैं V is equal to I R, R I या V is equal to I R। R यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हीरो है इस चैप्टर का, हीरो की एंट्री हो चुकी है R, हम सब जानते हैं R बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है। इस R को हम क्या बोलते हैं बताओ, ये R है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कहेंगे, अगर हम R के फॉर्मूले की बात करें यहाँ तो बताओ क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, R is equal to V upon I, यानी करंट और वोल्टेज और करंट का रेशियो है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ R वोल्ट पर एम्पियर, यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं बताओ, इसकी यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, R की यूनिट को हम कहते हैं ओम, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है। सो दिस इज अबाउट रेजिस्टेंस। यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट आता है R, ये R बहुत इंपॉर्टेंट है, इस R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो हमें ओम्स लॉ से मिला है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। मैंने कहा इस चैप्टर का हीरो है ऐसे समझ लो, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन अब होगा। ओके, तो ये ओम्स लॉ है। तो सिंपली तीन स्टेप में मैंने डिफाइन किया ओम्स लॉ को। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बताओ, डेफिनेशन ये है कि फॉर द कांस्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू द वायर। एंड उसके बाद एक्सप्रेशन क्या है बताओ, वी प्रोपोर्शनल टू आई, दिस इज ओम्स लॉ। ये तो डेरिवेटिव है ओम्स लॉ का, नीचे वी इक्वल्स टू आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज जस्ट वी प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद वी इक्वल्स टू आर आई, वी इक्वल्स टू आई आर, एंड वी हैव आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ को सिंपल वे में एकदम क्लियर डिस्कस किया है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल इसी तरह से याद भी होना चाहिए। ओके, अब बात होगी रेजिस्टेंस की, कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ आई है ये क्या है, ये क्यों डेवलप होती है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो है ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करती है, जैसे डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड करेगी जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था कांस्टेंट फिजिकल स्टेट, यानी इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ वायर, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर, वायर की डायमेंशंस पे, उसकी लेंथ पे, उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है, और सेकंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसकी इन सारे फैक्टर्स पे जो डिपेंडेंसी है वो इस चैप्टर में हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए जाएंगे, पर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ये पहला ही लेक्चर है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है, वायर में कहाँ होता है, वॉट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये रेजिस्टेंस फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्टेंस है इसका, क्यों रेजिस्टेंस वायर में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये अब हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा। सपोज इस तरह से वी हैव अ कंडक्टिंग वायर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम देख रहे हो कि वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, अगर इस वायर को हम किसी बैटरी से यहाँ कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। करंट फ्लो होने के पीछे रीजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मतलब करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमें बताया इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये हमें मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्लियर। अब बात आती है जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट इज कंसीडर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, बोलो सिंपल है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट कंसीडर होगी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें लेनी है। अब देखो हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन का मूव करना इतना आसान है, इतना सिंपल है, आंसर है नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन फिर यहां आयंस तो होंगे ना, बोलो ये है आयंस, क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन उनके रास्ते में आयंस आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो इतना सिंपल नहीं है जितना यहां दिख रहा है।
इलेक्ट्रॉन्स के लिए लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनकी आयन से टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को करंट फ्लो कराने के लिए लगातार इन आयन से टकराना होता है। और ये जो टक्कर होती है, यही टक्कर फिजिक्स के टर्म्स हम क्या कहते हैं, इसे रेजिस्टेंस। सो दिस इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम जनरल समझे तो रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, अपोज करना मतलब करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई आ रहा है, ठीक है ना, कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ कौन रेजिस्ट करता है, आयंस रेजिस्ट करते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने के लिए आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में उन्हें स्ट्राइक करना होता है, टकराना होता है इन आयंस से, और इन आयंस से जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो यही टक्कर रेजिस्टेंस होती है। कहीं ये बहुत ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, और किसी वायर के लिए, किसी मैटर के लिए ये रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना, मैटर के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो आयन से वो टक्कर करेंगे, और टक्कर करेंगे तो इन टक्कर का रिजल्ट ही रेजिस्टेंस होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इसमें थोड़ा सा डीप में समझते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन किसी आयन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देगा, उस आयन को ट्रांसफर कर देगा। आयन जो है वो इस एनर्जी को गेन करेगा, और गेन करने के बाद, इस एनर्जी को गेन करने के बाद अपनी जगह क्या करता है, वाइब्रेट करता है, क्योंकि आयन के पास अब एनर्जी है, आयन मूव नहीं कर सकता, वो बाउंड है अपनी जगह पे, तो आयन क्या करेगा, मूव नहीं कर सकता तो वाइब्रेट कर सकता है। एक्स्ट्रा एनर्जी को वो वाइब्रेशन के थ्रू रिलीज करता है, और जब वाइब्रेशन के थ्रू ये एनर्जी रिलीज होती है तो किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में। यही रीजन है कि कोई वायर जब करंट फ्लो होती है तो थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, क्लियर। जैसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी डिस्कस करते हैं इन डिटेल। बोलो, बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, हमने ये समझ लिया, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। बात तो हम बहुत करते हैं कि हाँ रेजिस्टेंस है, R is equals to V upon I, यूनिट है ओम, पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है वो हमें यहाँ से समझ में आया। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंस किसके ऊपर पढ़ेंगे, ऑन डाइमेंशंस ऑफ वायर, क्लियर। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, नोट करना है, डेफिनेशंस भी लिखनी है, पढ़ते हैं आगे। और अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डाइमेंशंस ऑफ वायर। ओके, तो देखो यहां हम स्टडी करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस on dimensions of wire, okay? On dimensions of wire, wire के dimensions पे resistance किस तरीके से depend करता है वो अब हम यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे on length, dependence on length के ऊपर किस तरह से depend करेगा, okay? और फिर हम पढ़ेंगे dependence on cross sectional area, okay? तो अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखें यहाँ, तो रेजिस्टेंस जो होता है इन जनरल, देखो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन ये कॉमन सेंस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीजें या ये आंसर इमेजिन करना। तो देखो, अगर किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, सपोज पहले मैंने एक वायर लिया, लेंथ थी 1 मीटर, वहां मैंने इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दिया, फिर मैंने उसी वायर के जैसा मतलब वहां से एक और वायर लिया, लेकिन इस बार लेंथ कितनी है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार सेम लेना, ठीक है ना, यानी हम एक ही वायर के रिम में से पहले हमने 1 मीटर का वायर निकाला, फिर हमने उसमें से 2 मीटर का वायर निकाला। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दूं और इलेक्ट्रॉन से पूछूं कि बताओ कहां रेजिस्टेंस ज्यादा लगा, तो ऑब्वियस है कि जो 2 मीटर लंबा वायर है वहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जो है वो रास्ते में आएंगे। 1 मीटर वायर में जितने आयंस रास्ते में आएंगे, ये ऑब्वियस है कि 2 मीटर लंबे वायर में उससे जस्ट डबल आयंस रास्ते में आएंगे उन्हें रोकने के लिए। इसका मतलब लेंथ जब हम बढ़ाते हैं उस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ में इंक्रीमेंट के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। आप समझ में आ गई? तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, सिंपल है, देखो इसको बिल्कुल इजीली हम देख सकते हैं यहाँ, और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तो हुआ थ्योरेटिकल, यानी गलत नहीं हो सकता हमारे कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ इसमें से करंट फ्लो हो रही है, और कितनी करंट फ्लो हो रही है बोलो, I करंट फ्लो हो रही है। लेंथ जो है इस वायर की वो हमने कितनी ले ली बताओ, L, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना था बताओ, V, क्लियर। यहाँ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ यहाँ R, ठीक है,
तो R कितना हो जाएगा, R is equals to V upon I. You are getting it? R कितना हो जाएगा? V upon I. ये हमारे first equation हमें यहाँ मिला है. अगर length को मैं double कर दूँ, तो इस बार हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया है. ध्यान से देखो, ये दिख रहा है क्लियर यहाँ. इस बार लेंथ को हमने कर दिया 2L. करंट अभी भी कितनी होगी I, पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ. पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2V. अब अगर मैं R डैश की बात करूं, ठीक है ना, ये पहली कंडीशन थी, ये पहले डायग्राम के लिए था और ये सेकंड डायग्राम है. दिस इज फॉर कंडीशन वन, ठीक है. अब हम देखेंगे फॉर सेकंड कंडीशन, फॉर कंडीशन टू. बताओ R डैश, R डैश इज इक्वल टू कितना आया, 2V अपॉन I. क्लियर, v अपॉन i फ्रॉम इक्वेशन वन कितना है r. सो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट r डैश इज इक्वल टू 2r. बोलो रिजल्ट क्लियर है. r डैश कितना आया बताओ, ट्वाइस ऑफ r, यानी टू टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस दुगना हो गया ना. तो यहां से देखो, ये मैंने एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली थोड़ी देर पहले, इसको मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया था, यानी हमने एक तरह से प्रूव भी किया रिजल्ट को और हम बहुत आसानी से ये चीजें डेराइव कर सकते हैं. हमने क्या देखा, अगर मैं लेंथ को एल से टू एल कर दूं तो रेजिस्टेंस आर से कितना हो गया, टू आर हो गया. बोलो ये सिंपल रिजल्ट है इसका. हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, डबल. तो यहां मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. बोलो ये रिजल्ट मिला या नहीं. हमें ये रिजल्ट मिल गया, हम कहेंगे सो यहाँ की बात हम यहाँ गई है. सो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ. ठीक है, तो पहला रिजल्ट हमें मिल गया पहले कैलकुलेशन से, और ये जो रिजल्ट था ये हमने बहुत आसानी से ही डेराइव कर लिया था. और ये मान लो हमारा इक्वेशन आया है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वाला है, तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिला. तो ये है लेंथ के ऊपर डिपेंडेंस. सेकंड हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑन, बोलो, ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया. डिपेंडेंस ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, की क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है. ओके, तो देखो अब एक चीज पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को. अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए. इस केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यानी यहां एंटी प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आएगा. क्यों, देखो सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें करंट फ्लो करानी है और उन्हें पहले एक पतले वायर में से जाना है, तो उस केस में उनकी कॉलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, चांसेस होंगे, वो ज्यादा होंगे. आपस में भी कॉलिजन के चांसेस होंगे क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पतली जगह में से जाना है. अगर मैं वायर की थिकनेस को डबल कर दूं और अब उतनी ही करंट फ्लो होनी, यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को भागना है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए ज्यादा स्पेस है, तो उनके जो कॉलिजन के चांसेस हैं वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे. यानी हम इजीली समझ सकते हैं कि अगर हम थिकनेस बढ़ाएं तो फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. बिल्कुल सिंपल था ये फैक्ट. तो देखो यहां से हम इसको और क्लियर कर लेते हैं, क्या कंडीशन होगी. देखो इस तरह से मान लो हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ हमने L ली है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ A है, करंट इसमें से फ्लो हो रही है I. अगर मैं फिर से कोई पूछूं बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, तो हम लिखेंगे R is equals to, बोलो कितना आ जाएगा, V upon I. This is our equation. चलो ये सेकंड आ गया था, इसको मैं लिख देता हूँ ये थर्ड इक्वेशन. क्लियर, ये थर्ड आ गया. अब वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं हाफ करें, यानी इस वायर को बीच में से कट करके अलग करूं. देखना ध्यान से, ये इस तरह से वायर यहां और इसका दूसरा हिस्सा नीचे. मैंने वायर को बीच में से कट कर दिया, ठीक है. देखो इस तरह से एक तलवार ली और बीच में से वायर को कट कर दिया, दिख रहा है आधा हिस्सा ऊपर है और बाकी आधा हिस्सा इसका नीचे है. अगर हम ध्यान से देखें, बताओ यहाँ कितनी कम करंट जाएगी इस बार, यहाँ जाएगी I by 2, यहाँ भी कितनी जाएगी I by 2. बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, ठीक है. अगर मैं पूछूं यहाँ R डैशेस आधे हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हम ले लेते हैं सेकंड डायग्राम, ठीक है, सेकंड कंडीशन है. तो फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम कंडीशन टू क्या मिल रहा है बताओ हमें, हम देखेंगे R डैश इज इक्वल टू V अपॉन I बाई टू.
करंट कितनी रह गई इस बार, हाफ, ये 2 कहां जाएगा ऊपर, बताओ r डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v / i, फिर से 2v / i, यानी r डैश इज इक्वल्स टू कितना आया बताओ, फिर से कितना आया 2r, यहां पे भी हमें r डैश इज इक्वल्स टू कितना मिला था 2r, सेम रिजल्ट यहां भी मिला है, r डैश इज इक्वल्स टू कितना मिला बताओ 2r हमें मिला है। इट मींस इस बार हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाया था, एक ही जगह कितना कर दिया था a by 2, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, बढ़ गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया बताओ 2r, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाने पर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इस रिजल्ट को मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहां हमने क्या किया है, यहां हमने जो a था एरिया उसको कितना कर दिया था बताओ a by 2, एरिया को घटाया, अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, बढ़ गया, ये तो 2r हो गया, यानी कि यहाँ पर लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन था। यहाँ पर हमें समझ में आ चुका है कि r is एंटी प्रोपोर्शनल टू a, ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट भी, हमने थ्योरेटिकली थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी डायरेक्ट कर लिया था, ऑप्टेन कर लिया था। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, बोलो बात समझ में आई, फोर्थ इक्वेशन हमें मिल चुका है, फोर्थ इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r is एंटी प्रोपोर्शनल टू a, यानी कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर, यहाँ हमने लेंथ पे डिपेंडेंस को देखा, यहाँ हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर इसकी डिपेंडेंस को देखा। ओके, सो ये हुआ, दो हमने कंडीशंस यहाँ देख ली है। अब इस रिजल्ट को एक करते हैं, थोड़ा और इस रिजल्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास दो रिजल्ट है यहाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, रिजल्ट दोनों ध्यान में रखते हैं। सो क्या रिजल्ट मिला हमें बताओ, हम कहेंगे कि r जो था पहला रिजल्ट था, r इज प्रोपोर्शनल टू l, दिस वाज इक्वेशन नंबर सेकंड, और हमें इक्वेशन निकला था r इज इक्वल टू r प्रोपोर्शनल टू 1 / a, r इज एंटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिस वाज इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हम एक करके अगर इसे लिखेंगे तो हमें मिलेगा r is proportional to l upon a, you are getting it, r is proportional to l upon a, यानी r is equals to, बोलो क्या बना यहाँ, rho l upon a, जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करेंगे तो एक और कॉन्स्टेंट आया, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एक और कॉन्स्टेंट की एंट्री हुई है यहाँ rho, और इस rho को हम बोलते हैं This is resistivity, क्या effective resistance भी बोलते हैं। फिलहाल हम इसे कह रहे हैं resistivity, जिस तरह से resistance है, उसी तरह से ये एक और physical quantity है resistivity। इसके बारे में सबसे important बात ये है, देखो यहाँ constant आया है rho, ठीक है, अगर इसकी unit की बात में करूँ तो बताओ unit क्या होगी इसकी, आसानी से निकाल सकते हैं, अगर इसकी unit की हम बात करें तो देखो यहाँ ओम, r की unit ओम है, a इधर आएगा, l upon में आएगा, rho is equal to r a upon l, तो a होगा एरिया मीटर स्क्वायर, l है लेंथ यानी मीटर, यानी ओम इनटू मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम इनटू मीटर, याद रखना है रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनटू मीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, ये डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट में ही आई है, यहां हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, इस बात को समझ लो, दिमाग में बिठा लो, हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है जहां तुम्हें एक वायर दिया गया था, फिर कहा गया इस वायर की लेंथ को ऐसे चेंज किया गया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसे चेंज किया गया, बताओ वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होता है क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, लेंथ और एरिया चेंज करने के बाद भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहती है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तुम्हें कंफ्यूज करना चाहे तो रेजिस्टिविटी याद रखना डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मैटर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और मैटर के ऊपर डिपेंड करती है जो कि रेजिस्टेंस भी करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक मेटल है, सपोज हमारे पास गोल्ड है या सिल्वर है या आयरन है या एल्यूमिनियम है, तो इस कॉन्सेप्ट में या कॉपर कोई भी मेटल होगा, अगर हम उसका वायर बना रहे हैं तो अलग अलग लेंथ और अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सबकी सेम होगी, यानी ये वायर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो
सेम वैल्यू रखती है किसी एक मेटल के लिए, यानी कॉपर का कोई भी वायर हो उस वायर के लिए रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगी। तुम अपने बुक में चेक करोगे तो तुम्हें वहाँ रेजिस्टिविटी की टेबल बनी हुई मिल जाएगी कि किस मेटल के लिए रेजिस्टिविटी कितनी होती है और अलग अलग वैल्यूज वहाँ हैं। रेजिस्टेंस के लिए टेबल नहीं मिलेगी क्योंकि वो डिपेंड करता है डायमेंशन पर, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसका टेबल तुम्हें वहाँ बना हुआ मिल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। तो अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाए तो ध्यान से देखना है कि रेजिस्टिविटी पूछा गया है या रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो ये डिपेंडेंसी हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मिल गया। यहाँ जो छोटे छोटे डेरिवेशन आएंगे उनकी हर स्टेप एक फॉर्मूले की तरह है, तो ये भी एक फॉर्मूला हमें मिला। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा और खेलते हैं, थोड़ा से और मिक्सअप करते हैं फॉर्मूले को। तो अगर मैं ओम्स लॉ से बात करूं, वापस से फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है ना, ये हमने यहाँ सीख लिया है। हम फिर से बात करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, बताओ क्या लिखा था हमने, वी इज इक्वल टू आई आर लिखा था। यहाँ से हम आर की वैल्यू रख रहे हैं, इक्वेशन फिट ले लो उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से R की वैल्यू पुट करो, क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन 5 से यहाँ तो जाएगा I rho L upon A, यू आर रिटिंग इट, V is equals to I rho L upon A। मैंने कहा था हर स्टेप एक फॉर्मूले की तरह है, या मैं इरेज कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। हम जान चुके हैं रो रेजिस्टिविटी है और रिमोट को लिया हुआ सबने। तो नेक्स्ट जो है V is equals to I rho L upon A, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा V is equals to, देखो मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, I upon A into rho into L। I upon A एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, I upon A। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे बताओ, J है क्या, J है करंट पर यूनिट एरिया। किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जब करंट फ्लो होगी तो करंट पर यूनिट एरिया जो क्वांटिटी उसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसे ध्यान रख लेना, इस J को कहते हैं क्या बोलते हैं बताओ, इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज करंट डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिख रहे साहब, इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज करंट डेंसिटी, यूनिट हो गई J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, यानी अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये है हमारी करंट डेंसिटी, एक और फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी जो फॉर्मूला है। अब ये स्टेप क्या हो गई बताओ, V इज इक्वल टू J इनटू ये रो है, तो मतलब P की टांग मोड़ देना थोड़ा सा, J रो है सही ना, P P की टांग मोड़ दी तो क्या बन गया, ये रो बन गया। तो J रो इनटू L, क्लियर। V V के लिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू E इनटू L। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ ऑफ वायर से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ मैं वी की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, बताओ क्या आएगा, E into L is equals to J into rho into L, बोलो क्लियर है क्या, J into rho into L, यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड में से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला, E is equals to J into rho, clear? यहाँ में मिला E is equals to J into rho। यहाँ इस स्टेप को मैं ऐसे लिखूंगा, J is equals to 1 upon rho into E, clear? J इधर रहा, rho इधर आ गया, 1 upon rho into E, 1 upon rho एक और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये फिजिकल क्वांटिटी है सिग्मा, क्लियर। देखा मैंने, हर स्टेप में फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, हर स्टेप में फॉर्मूला आ रहा है। इसी तरह से इस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो 1 upon rho is equals to sigma, एक और फिजिकल क्वांटिटी मिली। इस सिग्मा को चूंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा है, रो क्या है रेजिस्टिविटी, तो बताओ रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, सिंपल है, ये होगा कंडक्टिविटी, क्लियर। ये है कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट देखें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम इनटू मीटर। रो के लिए यूनिट थी ओम इनटू मीटर, यहां यूनिट होगी उसका उल्टा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्लियर। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो भी बोलते हैं। ओ एच एम का उल्टा क्या होगा, एम एच ओ, तो इसको हम महो इनटू मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो जैसा लिखा मिल जाए वैसा ही ध्यान देना है, तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो इनटू मीटर इनवर्स, ये इसके लिए यूनिट हो जाएगी। और अब यहाँ हमें एक रिलेशन मिल चुका है, फाइनली एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो जे इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताऊँ, हम लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो हर स्टेप एक नया फॉर्मूला, हर स्टेप एक नई फिजिकल क्वांटिटी से मिला देती है। तो ये जो डेरिवेशन आज मैंने यहाँ कराया है,
इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, इसके एक एक स्टेप को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं एक एक के बाद एक 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 करके, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे दोस्ती हमारी यहाँ हो गई है, सबके बारे में हमें आना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी स्टेप से बन सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट तुम्हें दिख रहा है या मैंने इसको बढ़िया से ब्रैकेट में बंद किया है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्किपल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, याद रखोगे, दिस इज नोन एज माइक्रो स्किपल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ही, ये ओम के जो रूल है, ओम का जो रूल है उसका एक छोटा फॉर्म है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ही, इसको बोलते हैं अपन माइक्रो स्किपल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर, सो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को देखा, फॉर्मूला को डिस्कस किया, यूनिट को डिस्कस किया, फिर हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया, और फिर एक के बाद एक कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हुए माइक्रो स्किपल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को अभी अभी हमने डिस्कस किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो लेक्चर, सो ये स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो तुम जानते हो आई एम ऑलवेज देयर ऑन व्हाट्सएप और इन कमेंट सेक्शन, यहाँ तुम पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।